हुआ कि सुबह 7:30 बजे सही। चारों तरफ से हमारे ऊपर पुलिस का धावा बोला। हमारे ऊपर शदीद तरीन, मैं कहता हूँ तारीख की बदतरीन शेलिंग होगी। वो चारों तरफ से शेलिंग की गई और एक्सपायर शेल भी उसमें मौजूद थे। हम पर रबड़ की गोलियां बरसाई गई, हम पर पत्थर बरसाए गए डायरेक्ट। हालांकि 40 मीटर दूर से वो आर्डर है, वो डायरेक्ट सामने खड़े होकर रबड़ की गोलियां चला रहे थे। अच्छा, ये ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को तरीका ही नहीं बताया गया कि किस तरह करना है। बस यही था, इनको मारो, इनके ऊपर पत्थर बरसाओ। वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया। ये कारतूस देखें आप, ये देखें, ये इसके अंदर एक के अंदर 8-8, 10-10 रबड़ की गोलियां होती है। अच्छा। एक निकलता है सामने, 10 बंदे खड़े तो 10ों को जाके लगे। ऐसे खतरनाक किस्म के इन्होंने कल ऑपरेशन किया, लेकिन हम लोग डटे रहे क्योंकि हम लोग इसके ऊपर, क्योंकि हम कल पीछे हटने के लिए नहीं आए थे। हम ये मैं मार देते मर जाते, हम मरने के लिए। बंदे आपके 40 एक मरे तकरीबन पूरे आल और पाकिस्तान तकरीबन, यहाँ बता रहे हैं कि 25 यहाँ पर हमारे शहीद हुए। क्योंकि मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में लोगों को जब इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने कहा जी सिर्फ एक पुलिस वाला मरा। मैंने कहा ये जज्बाती नहीं, हमने जरा इन्फॉर्मेशन देनी है एग्जैक्ट। हुआ यूं कि कुरान पाक में हुक्म है कि झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हमारे 4 जनाजे 5 जनाजे तो यहाँ पर पड़े जा चुके हैं। ये कह रहे सिर्फ एक पुलिस वाला मरे, तो हमारे 5 जनाजे हैं। वो कैसे हुए? 18 डेथ और ये गैप गई भी है। और बच्चों को मारा है इन्होंने, कराची में स्ट्रेट फायर मारे गए लोगों को। कराची में एनी शाहिद मेरे से फोन पे बात हुई, उसने कहा स्ट्रेट फायर मारे। फिर वहाँ पर ये आपके बच्चे कैसे मरे? ये उधर राह गुजर रहे थे, राह गुजर रहे थे और इधर कुछ लोग आपके बच्चे गए हैं उधर, या ये वैसे ही ड्रामा किया है चौधरी निसार ने पॉलिटिकल पॉलिटिकल रेटिंग के लिए? जब 20 दिन से आप लोगों ने चौधरी निसार के घर हमला नहीं किया तो अभी क्यों करेंगे आप? ठीक है ना सर, तुक्की नहीं बनती। हमारे लोग आ रहे थे यहाँ पर शरीक होने के लिए, रैली में शरीक होने के लिए रैली ला रहे थे, उन पर स्ट्रेट फायर कर दिया। वैसे भी यहाँ पर शेलिंग जब होती थी, मैं बताता हूँ शेलिंग कितनी खतरनाक थी कि हमारे जिस्म से रूह निकालती थी, आसाब शिकन थी, हम लोग ऐसे निढाल हो गए थे, हमारे जिस्म से रूह निकालती थी वो शेलिंग। खतरनाक हुई थी और अभी भी हम अपना मुंह धोते हैं ना, उसका जो असर है हमारे वो लगता है, पानी लगता है हमारे। सर ये इसकी प्राइस तो इनको देनी पड़ेगी, अल्लाह का कानून तो अलग है ना, मालिक का कानून तो अलग है। रब से बड़ा हमारा रब है, इनका रब अमेरिका है या जो भी है, जिनको ये रब मानते हैं, हमारा रब वो रब है जिसने सारी कायनात। सर अल्लाह ने जो शेलिंग जो हमने रुमाल मुंह पे लपेटा हुआ था ना, अब वो रुमाल भी हम दोबारा लपेट नहीं सकते, इतनी उस रुमाल में से महक है। इनका एक दास्ताना मैंने ना सुबह सुन के, सुबह इन्होंने मुझे सुनवाया एक दास्ताना, इसको सुन के मैं सुनना तो आपको चीज सुनाता हूँ और आप परेशान हो जाएंगे। इसको सुन के आप, ये मैंने कहा इससे हम चले वाले थे कपड़े पहने, कल ये हाल हुआ हमारे कपड़ों का, धुएं से कुछ था, पानी शेलिंग। और मीडिया वाले नहीं आए आपके पास? मीडिया वाले क्या करते हैं, मीडिया बंद कर दिया पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मीडिया को तो आना चाहिए। मीडिया लाइव चल रहा था उसको बंद कर दिया, उसको जुर्माना लगा दिया कि तुमने लाइव क्यों दिया। नहीं वो लोग आए नहीं, मीडिया वाले आए नहीं। मेरी बात सुने, जब घर के झूठ को छुपाना है तो फिर इन्होंने ये किया कि हमने क्या किया, किसको दिखाते हैं हमने क्या किया, हमने क्या किया, तो पता उन्होंने छुपाया। जैसा कि कर्बला शरीफ जब हुई तो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ और बाकी दीगर सहाबा किराम किसी को नहीं पता था कि कूफा में कर्बला शरीफ हो रही है, कर्बला में कर्बला शरीफ हो रही है, और जहाँ यहाँ पर लोगों को पता है कर्बला शरीफ हो रही है फिर भी लोग गाफिल बैठे हुए। यहाँ पर देख ले इन्होंने हमारे पूरा खेमे जलाए, सारे खेमे थे हमारे, हर चीज। आपकी अच्छा जो उन्होंने रोटी रोकी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस दिन आप लोगों ने क्या खाया? खजूरें थी हमारे पास, खजूरें थी और वो चने थे। देखिए हम हुजूर के नाम पे आए, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। आपको एक बात बताएं, जब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब फतेहजिला उल आली लाहौर से निकलने लगे ना, तो लोगों ने सवाल किया कि हजरत हमारे लंगर का क्या होगा। आपने फरमाया जाए आप सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक से हमारे लंगर का इस्तेमाल। सुभान अल्लाह, सर हदीस शरीफ है कि आपका जो रिस्क है ना
وہ آپ کی موت کی طرح آپ کا پیچھا کرتا ہے، ہمارا ایمان خراب ہو۔ بعد میں بتاتا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم ادھر کے پیسوں کے لیے بیٹھے، ہم اپنا کاروبار لاکھوں روپے کا کاروبار، یہ سب لوگ جو کراچی سے ہم لاہور سے آئے ہیں، ہم لاکھوں روپے کا اپنا کاروبار چھوڑ کے حضور کے پیچھے بیٹھے ہیں، حضور کے دین کے لیے بیٹھے ہیں ہم، اس لیے بیٹھے ہیں۔ سر اللہ آپ کو جزا دے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آپ کے ساتھ ہے۔ دوسری بات سنیں۔